हेलो बच्चों, बीपीएससी विद्यापीठ में आप सभी का आज हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह विषय कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंस तो रखता ही है, आइदर पीटी एंड मेन। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे भारत और ख़ास करके भारत का एक पिछड़ा हुआ प्रांत बिहार के लिए गौरव का विषय है। इसीलिए आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो हमारे देश के लिए और अपने प्रांत के लिए गौरव का विषय है। और आज का टॉपिक है पटना में L20 का शिखर सम्मेलन, पटना में Labour 20 का शिखर सम्मेलन। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वर्ष 2023 भारत के लिए गौरव का विषय है, क्योंकि वर्ष 2023 के G20 की मेज़बानी भारत को मिली है। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के बढ़ती साख को दर्शाता है, बढ़ते महत्व को दर्शाता है। और 2023 की मेज़बानी G20 के शिखर सम्मेलन की भारत को मिली है। और G20 के साथ कई समूह संबंधित हैं, जिनमें एक है L20 यानी Labour 20, जिसमें स्पेशली श्रमिकों के मुद्दों पर चर्चा किए जाते हैं, विभिन्न प्रस्ताव पास किए जाते हैं, अभिसमय निर्धारित किए जाते हैं कॉन्वेंशंस, और इन अभिसमयों और प्रस्तावों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लागू भी किए जाते हैं ताकि श्रमिकों का हित हो सके, क्योंकि श्रमिक किसी भी देश के अर्थव्यवस्था के विकास में केंद्रीय भूमिका निभाता है। क्योंकि अर्थव्यवस्था के औद्योगिक क्षेत्रक यानी द्वितीयक क्षेत्रक के विकास में, सेकेंडरी सेक्टर के डेवलपमेंट में लेबरर्स की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है। तो जो समूह जितना ही महत्वपूर्ण होता है, विश्व उस पर उतनी ही प्रमुखता से ध्यान देता है। और किसी भी देश के औद्योगिक विकास में लेबर श्रमिक की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है। और इसी महत्वपूर्ण मुद्दा पर और श्रमिकों के हित पर विचार करने के लिए, अभिसमय पारित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर श्रमिकों के हित में नियमों और प्रस्तावों से इसके निर्माण के लिए L20 की बैठक होती है, जिसकी मेज़बानी इस बार हमारे बिहार को मिली। ये हमारे लिए बड़ा गौरव का विषय है। और L20 चूँकि G20 से संबंधित समूह है, तो पहले G20 से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करें जो ऑब्जेक्टिव के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। और जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, G20 यानी ग्रुप 20 या समूह 20, ग्रुप 20 या समूह 20, और इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। इस संगठन का जो उद्देश्य है, सॉरी सिद्धांत है, जिस सिद्धांत पर यह संगठन कार्य करता है वह भारत की पुरानी सिद्धांत है, भारत का पुराना सिद्धांत है, भारत का मूल सिद्धांत है, वसुधैव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज वन फैमिली। G20 द्वारा यह जो सिद्धांत अपनाया गया, यह भारत का पुरातन सिद्धांत है। तो हम कह सकते हैं कि G20 का जो सिद्धांत है, वसुधैव कुटुंबकम, समस्त वसुधा, समस्त पृथ्वी, समस्त धरा एक परिवार है। और भारत की यह सोच परंपरागत है, काफ़ी पुरानी है, और भारत की सोच को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। इसका एक ज्वलंत उदाहरण है कि G20 का सिद्धांत आज वसुधैव कुटुंबकम ही है, द वर्ल्ड इज वन फैमिली। G20 का उद्देश्य, एक एक प्रश्न आपके लिए उपयोगी होंगे, एक एक बिंदु ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में। और G20 का उद्देश्य वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रणालीबद्ध, सिस्टमेटिकली, वर्ल्ड इकोनॉमी में सिस्टमेटिकली, वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रणालीबद्ध महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाने के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा।
हम सभी जानते हैं कि आज जो हमारा विश्व है उसमें विभिन्न राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था में कुछ काफ़ी विकसित हैं और कुछ विकासशील हैं या अर्ध विकसित हैं जो धीरे धीरे विकास की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो जो विकसित अर्थव्यवस्था वाले राष्ट्र हैं जिनको सामान्यतया औद्योगिक अर्थव्यवस्था कहा जाता है, औद्योगिक अर्थव्यवस्था कहा जाता है, जो विकसित अर्थव्यवस्था वाले राष्ट्र हैं उनका और जो विकासशील अर्थव्यवस्था वाला राष्ट्र वाले राष्ट्र हैं उनको एक साथ लाना, एक मंच पर लाना और आपसी साझेदारी द्वारा विकासशील राष्ट्रों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना G20 का मुख्य उद्देश्य है। तो G20 का उद्देश्य है वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रणालीबद्ध या नियमबद्ध या सिस्टमेटिकली महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाने के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करना, ताकि विकासशील राष्ट्र भी औद्योगिक राष्ट्र के विकास के स्तर को प्राप्त कर सके और उसी प्रकार औद्योगिक रूप से जो विकसित राष्ट्र हैं उस अर्थव्यवस्था में जो जो विशेषताएं हैं वे सभी विशेषताएं विकासशील राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में भी आ सके और यह भी विकास की ओर तेज़ी से अग्रसर हो सके और विकास के स्तर को प्राप्त कर सके। तो इसके उद्देश्य बहुत ही महत्वपूर्ण है और जैसा कि इसकी सदस्य संख्या 20 है, नाम ही है G20। हालांकि ऐसा नहीं होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि नाम होता है G20 या G7 और सदस्य संख्या 8 या 9 हो जाता है, लेकिन फिलहाल इसकी सदस्य संख्या 20 है और जैसा कि हम लोगों ने चर्चा किया यह भारत के लिए काफ़ी गौरव का विषय है कि इस बार 2023 का जो अध्यक्ष है इसका अध्यक्षता भारत के पास है। यह हमारे भारत की वैश्विक स्तर पर उभरती तस्वीर या उभरती अर्थव्यवस्था का एक सूचक है कि वर्ष 2023 का की मेज़बानी G20 की भारत को मिली है और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि G20 की बैठक सितंबर 2023 में होगी, दिल्ली में होगी और उससे पहले इससे संबंधित जो विभिन्न समूह हैं उनकी बैठकें हो रही हैं, जिनमें से L20 की बैठक अपने बिहार की राजधानी पटना में हुई, जो हम लोगों के लिए बड़ी गौरव का विषय है और हमारे बिहार लोक सेवा आयोग में निश्चित रूप से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में सवाल रहेंगे ही रहेंगे। और G20 एक ट्रेडिशनल संगठन है तो ये एवरग्रीन है आपके लिए और इस साल की अध्यक्षता मेजबानी भारत को मिली है और G20 की पहचान है कि यह विश्व की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्रियों, फाइनेंस मिनिस्टर्स और केंद्रीय बैंक सेंट्रल बैंक, जैसे अमेरिका का सेंट्रल बैंक है फेडरल रिजर्व, भारत का सेंट्रल बैंक है RBI, तो इसके जो मेंबर कंट्रीज हैं उनके वित्त मंत्रियों और वहाँ के केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स का एक संगठन है जिसमें 19 देश इस 20 सदस्य देश में, ध्यान रखेंगे कि 19 देश और एक संगठन यानी यूरोपियन यूनियन या यूरोपियन संघ इसमें शामिल है। तो इसके जो 20 सदस्य हैं इनमें 19 गो देश हैं, 19 कंट्रीज हैं और एक संगठन है जिसको हम लोग यूरोपियन यूनियन या यूरोपियन संघ के नाम से जानते हैं। और जैसा कि हम लोगों ने चर्चा किया कि G20 से संबंधित अन्य कई समूह हैं जो विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करती रहती हैं, जैसे Youth 20 जो युवाओं के मुद्दों पर चर्चा करती है, देश के विकास में, अर्थव्यवस्था के विकास में युवाओं की केंद्रीय भूमिका होती है, तो युवाओं के लिए बेहतर व्यवस्था कैसे किया जाए, उनको अधिक से अधिक अवसर कैसे उपलब्ध कराया जाए, इन मुद्दों पर चर्चा होती है Youth 20 में। Civil 20 नागरिकों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने वाला समूह है। Women 20 जो महिलाओं की समस्याओं पर स्पेशली चर्चा करने वाला समूह है। और L20 जो लेबर के मुद्दों पर चर्चा करने वाला मुख्य समूह है। तो ध्यान रखें कि G20 से संबंधित कई समूह हैं, अर्थात इसका उद्देश्य बड़ा व्यापक है और अपने व्यापक उद्देश्य को पूरा करने के लिए G20 के अधीन
कई समूह कार्यरत हैं जिनमें यूथ 20, सिविल 20, वुमन 20 एंड L20 मुख्य है। और यही L20 जो लेबर 20 है, यह लेबर के हित से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके हित पर ध्यान रखती है। और इसी L20 का, लेबर 20 का या लेबर पार्टिसिपेशन 20 का शिखर सम्मेलन अपने बिहार की राजधानी पटना में हुआ। तो इस पर निश्चित रूप से इस पर भी और इस पर भी सवाल आने ही आने हैं। ये बहुत ही रेलिवेंट टॉपिक है और हर समय इस पर सवाल आते हैं और बैठक हुई है, चर्चित हुई है, तो सवाल आने ही आने हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कि L20 का जो शिखर सम्मेलन अपने बिहार की राजधानी पटना में हुआ, इससे संबंधित मुख्य बिंदुओं की चर्चा हम लोग करें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि बिहार की राजधानी पटना में 21 से 23 जून, हालांकि इसका उद्घाटन 22 जून को हुआ और राज्यपाल अर्नेकर महोदय ने इसका उद्घाटन किया, लेकिन टोटल ड्यूरेशन जिसमें बैठक हुई, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई, वह 21 से 23 जून 2023 तक L20 का शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ बिहार की राजधानी पटना में। तो बिहार की राजधानी पटना में 21 से 23 जून 2023 तक L20 लेबर 20 का शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ। इस शिखर सम्मेलन में 28 देशों के 173 प्रतिनिधियों, जो मुख्य रूप से श्रम विशेषज्ञ थे, क्योंकि L20 में श्रमिकों से संबंधित मुद्दों के जो विशेषज्ञ होते हैं उनको प्राथमिकता दी जाती है। तो पटना में जो L20 का शिखर सम्मेलन हुआ, उसमें 28 देशों के 173 रिप्रेजेंटेटिव्स, प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जो मेनली श्रम विशेषज्ञ हैं या थे। इसके बाद इसमें मुख्य किस विषय पर चर्चा, उसे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सब के लिए लॉन्ग में भी आएगा ही आएगा, मेरा मानना है। बीपीएससी मेंस में खास करके 69 में आने की संभावना प्रबल है और ऑब्जेक्टिव में तो आना ही आना है। तो ये मुद्दा, ये पॉइंट आपके लिए रामबाण का काम करेगा और पीटी और मेन दोनों प्रकार के प्रश्न को बनाने में काफ़ी सुविधा होगी। इंटरव्यू में भी अगर आप जाएंगे तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस अराइज होंगे, तो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। तो ध्यान रखें कि पटना में जो L20 का शिखर सम्मेलन हुआ, इसमें सभी के लिए सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी तथा महिलाओं एवं रोजगार विषय पर व्यापक चर्चा हुई। तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएंगे कि L20 का मुख्य विषय क्या था। L20 का मुख्य विषय था सभी के लिए सामाजिक सुरक्षा तथा महिला एवं रोजगार। इस विषय पर पटना के शिखर सम्मेलन में मुख्य रूप से चर्चा हुई। और आप सभी जानते हैं सामाजिक सुरक्षा क्या होता है, सोशल सिक्योरिटी क्या होता है। हम सभी पढ़ते हैं कि हमारे संविधान में भी इसका उल्लेख है कि राज्य यानी सरकार अपने नागरिकों को बुढ़ापा, बेरोजगारी, दुर्घटना आदि जैसी स्थिति में सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराएगा। और श्रमिक समाज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है और इनको विभिन्न स्थितियों में आर्थिक लाभ या सरकार का प्रोटेक्शन उपलब्ध कराना ही सामाजिक सुरक्षा है, सोशल सिक्योरिटी है। तो श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा कैसे मिले और महिलाओं के रोजगार का अवसर कैसे बढ़े, इस विषय पर मुख्य रूप से चर्चा हुई पटना के L20 के शिखर सम्मेलन में। और इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता, L20 के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारतीय मजदूर संघ BMS के अध्यक्ष हिरण्यम पांड्या ने किया, जो ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी प्रमुख रहेगा। और इसमें एक और सवाल है जहां आपका ध्यान जाना चाहिए, भारत में कई लेबर यूनियन है, श्रम संगठन है, जैसे ऐटक, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इंटक, इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इंटक, ऐटक, इंटक,
BMS भारतीय मजदूर संघ, और वर्तमान में सबसे बड़ा जो मजदूर संघ है भारत का, यह BMS ही है, और यह BJP से जुड़ा हुआ श्रम संगठन है। हर श्रम संगठन का संबंध किसी न किसी दल से होता है, जैसे ATAC का संबंध कम्युनिस्ट पार्टी से होता है, INTAC का संबंध कांग्रेस से होता है, BMS का संबंध भारतीय मजदूर संघ का संबंध BJP से है, और वर्तमान में यह भारत का सबसे बड़ा श्रम संगठन है, और इसी के अखिल भारतीय अध्यक्ष हैं वर्तमान में हिरण्यम पांड्या, और पटना के L20 के शिखर सम्मेलन में हिरण्यम पांड्या को ही अध्यक्षता सौंपी गई। अब देखना है कि इस L20 के पटना शिखर सम्मेलन में किन किन मुद्दों पर विशेष रूप से चर्चा हुई या प्रस्ताव पारित किए गए, और जिन पर आगे भी चर्चा होगी, इसकी बैठक कई राउंड में चलती है ना, और जिन जिन विषयों पर मुख्य रूप से चर्चा हुई, इनमें मुख्य मुद्दों में पहला, वैश्विक कौशल प्रबंधन सूचना प्रणाली विकसित की जानी चाहिए, मिस, क्योंकि प्रबंधन सूचना प्रणाली को विकसित करने से क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर श्रमिकों से संबंधित विभिन्न सूचनाएं आसानी से प्राप्त होती हैं, और इनके हित के लिए नियमों के निर्माण में काफ़ी सुविधा होती है। तो पटना के L20 शिखर सम्मेलन में जिन मुख्य मुद्दों पर चर्चा हुई, उनमें एक मुख्य मुद्दा वैश्विक कौशल प्रबंधन सूचना प्रणाली विकसित की जानी चाहिए, इस बात का प्रस्ताव पारित किया गया या इस बात पर जोर डाला गया। इसके बाद सामाजिक सुरक्षा के कार्यान्वयन से संबंधित 3 महत्वपूर्ण मुद्दों की पहचान की गई कि वह कौन कौन सा मुद्दा है जिस पर जो लेबरर्स के सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड हैं, तो ऐसे 3 मुद्दों की पहचान की गई पटना के शिखर सम्मेलन में। सार्वभौमिकरण माने पूरे धरती, सार्वभौम मतलब पूरे धरती पर, पूरे विश्व में, पूरे भूमि पर लेबरर्स के हित का समान रूप से ध्यान रखा जाए, ऐसा नहीं। अब देखिए होता क्या है कि जो विकसित राष्ट्र हैं वो अपने लेबरर्स को ज़्यादा फैसिलिटी दे पाते हैं, जो गरीब राष्ट्र हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर राष्ट्र हैं, वो कम फैसिलिटी दे पाते हैं। तो श्रमिकों के हित का यह सार्वभौमिकरण नहीं होता है, तो श्रमिकों के हित का सार्वभौमिकरण हो, समस्त भूमि, समस्त पृथ्वी, समस्त धरा, पूरे विश्व में रहने वाले श्रमिकों के समान हित पर ध्यान दिया जाए। इसके बाद वित्त पोषण फाइनेंस, चूँकि आप जैसे ही वेलफेयर का वर्क करेंगे या सोशल सिक्योरिटी का वर्क करेंगे तो फाइनेंस चाहिए, तो फाइनेंशियल लेवल स्ट्रांग हो, फाइनेंस की व्यवस्था पर ध्यान दिया जाए, वित्त की व्यवस्था पर ध्यान दिया जाए, और पोर्टेबिलिटी यानी श्रमिक जब एक जगह से दूसरे जगह प्रवास करें, यानी एक देश से दूसरे देश में जाएं, तो जो फैसिलिटी उनको यहाँ मिल रही है, पोर्टेबिलिटी माने क्या होता है, आसानी से ढोना, तो एक जगह से जब दूसरे जगह वो जाएं तो उनको फैसिलिटी वहाँ भी उसी प्रकार का मिले जैसा कि यहाँ मिल रहा था। तो पटना के L20 के शिखर सम्मेलन में सामाजिक सुरक्षा के क्रियान्वयन एग्जीक्यूशन से संबंधित जिन 3 मुद्दों की पहचान की गई, उनमें सार्वभौमिकरण, वित्त पोषण एंड पोर्टेबिलिटी, ये 3 मुख्य हैं। इसके बाद सामाजिक बीमा तथा कल्याण प्रणालियों का कवरेज सभी को मिले। आप सभी जानते हैं बीमा, श्रमिकों के लिए बीमा बहुत ज़रूरी है, इसीलिए कि बीमा का क्या अर्थ होता है, बीमा का अर्थ होता है भविष्य की जोखिमों से सुरक्षा। तो श्रमिक कमज़ोर वर्ग के, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग और सामाजिक रूप से भी कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, ये गरीबी के कारण बीमा कवरेज का लाभ नहीं ले पाते हैं। तो इसमें कहा गया कि सामाजिक बीमा तथा कल्याण प्रणाली जो वेलफेयर वर्क किया जाता है, इससे कई श्रमिक छूट जाते हैं,
अपनी अशिक्षा के कारण, अपनी सामाजिक पिछड़ेपन के कारण, अपनी आर्थिक कमजोरी के कारण जो सरकार बीमा योजना चलाती है, जो सरकार कल्याणकारी योजना चलाती है, उससे कई श्रमिक वंचित रह जाते हैं। और पटना के L20 के लेबर 20 के शिखर सम्मेलन में इस बात पर विशेष रूप से बल दिया गया कि सामाजिक बीमा तथा कल्याण प्रणाली जो चलाई जाती है या वेलफेयर वर्क जो किया जाता है लेबरर्स के लिए, इसका कवरेज यानी लाभ सभी को मिले, कोई वंचित ना रहे। इसके बाद अगला मुद्दा जिस पर चर्चा हुआ, प्रवासी श्रमिकों के लाभ के लिए प्रवासी प्राप्त करने वाले और प्रवासी भेजने वाले देशों के बीच एक बहुपक्षीय समझौता बायलेटरल एग्रीमेंट हो। अब जैसे देखिए कि प्रवासी श्रमिक जो होते हैं वो एक जगह से दूसरे जगह या एक देश से दूसरे जगह अपने श्रम का योगदान देने के लिए जाते हैं। तो जैसे मान लिया जाए कि जो गरीब क्षेत्र है वहाँ से श्रमिकों का प्रवास अमीर क्षेत्र में होता है, तो गरीब क्षेत्र श्रमिक गरीब क्षेत्र से श्रमिक भेजे जाते हैं और अमीर क्षेत्र में श्रमिक प्राप्त होते हैं। जो श्रमिक कमज़ोर एरिया से जहाँ रोज़गार के अवसर नहीं हैं या बहुत कम हैं, वहाँ से श्रमिकों का पलायन होता है ऐसे जगह पर जहाँ रोजगार होता है, इसको कहते हैं श्रमिकों का पलायन। तो जहाँ से श्रमिक भेजे जाते हैं और जो देश या जो क्षेत्र प्राप्त करते हैं श्रमिकों को, जैसे एक छोटा सा उदाहरण राष्ट्रीय स्तर पर ले लें, हमारा बिहार जो है यहाँ से श्रमिकों का, अब बहुत दुखद है कि यहाँ से श्रमिकों का काफ़ी प्रवास या पलायन होता है और ये भारत के विभिन्न राज्यों में जा कर के कार्य करते हैं। तो यहाँ से प्रवास होता है, यहाँ से भेजे जाते हैं और वहाँ प्राप्त होता है। तो अगर कहीं एक क्षेत्र से या एक देश से दूसरे देश में श्रमिकों को भेजा जाता है तो जो देश भेजता है और जो देश प्राप्त करता है, क्योंकि जो देश प्राप्त करता है उसके लिए, जैसे मान लिया जाए कि हमारे भारत से, हमारे बिहार से बहुत सारे जो मजदूर जाते हैं पंजाब हरियाणा या विभिन्न जगहों पर जाते हैं, वहाँ नीड है, उनको इनके बिना काम नहीं चलेगा, तो वो लाभ लेते हैं, तो श्रमिकों को लाभ दें। इसके लिए क्या करना होगा कि जो श्रमिक भेजते हैं, श्रमिकों की आपूर्ति करते हैं और जो श्रमिक प्राप्त करते हैं, दोनों क्षेत्रों या दोनों देशों के बीच बायलेटरल एग्रीमेंट हो, समझौता हो, ताकि श्रमिकों का हित बाधित ना हो, श्रमिकों का शोषण ना हो और श्रमिकों को प्रॉपर लाभ उपलब्ध कराया जाए, खास करके श्रम प्राप्त करने वाले देश या क्षेत्र द्वारा, क्योंकि ये लोग श्रमिकों का काफ़ी शोषण करते हैं। तो श्रमिकों का शोषण ना हो, इस पर विशेष रूप से ध्यान देने के लिए व्यवस्था की गई है कि प्रवासी श्रमिकों के लाभ के लिए प्रवासी प्राप्त करने वाले और प्रवासी भेजने वाले देश के बीच एक बहुपक्षीय समझौता होना चाहिए। और इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा पर ध्यान दिया गया कि केयर इकोनॉमी के तहत उभरते अवसरों का लाभ सभी को मिलना चाहिए। आजकल श्रमिकों के लिए एक से एक अवसर आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे श्रमिक इस लाभ से वंचित हो जाते हैं, छूट जाता है। अतः जो उभरता केयर इकोनॉमी है और उभरती संभावनाएं हैं, नई नई संभावनाएं हैं, इसका लाभ सभी श्रमिक को मिले। और इसमें एक और महत्वपूर्ण मुद्दा पर विचार किया गया कि ट्रेड यूनियनों को नए प्रकार के काम में लगे श्रमिकों के सामने आने वाले मुद्दों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, क्योंकि आजकल नए नए प्रकार के कार्य शुरू हुए हैं और जो लेबर नवीन प्रकार के कार्य में इन्वॉल्व होते हैं, उनके सामने नए नए प्रॉब्लम्स आते हैं जिनको शॉर्ट आउट करने की एबिलिटी उनमें नहीं होती है। और ट्रेड यूनियन लेबरर्स के हित के लिए ही गठित किया जाता है। अच्छा, इस पटना के L20 शिखर सम्मेलन में इस मुद्दा पर विशेष रूप से बल दिया गया, चर्चा की गई कि जब लेबरर्स किसी नए कार्य में इन्वॉल्व हो रहे हैं और उस नवीन कार्य से संबंधित जो नए प्रॉब्लम्स हैं उनको शॉर्ट आउट करने में, उनके समाधान में श्रम संगठन लेबर यूनियन विशेष रूप से ध्यान दे। तो इन मुद्दों पर पटना के L20 शिखर सम्मेलन में प्रमुखता से चर्चा हुई। मेरा विश्वास है कि आप
G20 से संबंधित सभी मुख्य तथ्य और ये रेलिवेंट तथ्य को समझे होंगे और इससे हमारा पीटी और मेन दोनों का क्वेश्चन आसानी से दिखाएगा। मेरा विश्वास है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इसको आपने समझा होगा और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि इस प्रकार के उपयोगी आपके समक्ष वीडियो उपस्थित होता रहे और फिर इसी प्रकार के किसी उपयोगी वीडियो को लेकर मैं उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।